तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टिक जाधव पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ना कि आप किस तरह से यहाँ पर सॉफ्सी के कस्टमर केयर से बात करेंगे, सॉफ्सी के कस्टमर केयर का नंबर क्या है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। सॉफ्सी इंडिया के कस्टमर केयर से हम बात कैसे करते हैं। तो वीडियो हमारी यदि अच्छी लगेगी ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आया करते हैं। जैसा देख पा रहे हैं, मैंने सॉफ्सी ऐप को ओपन कर लिया है। अब चलते हैं अकाउंट वाला, यहाँ पे एक सेक्शन दिखता है, ठीक है, अकाउंट वाले सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है कॉन्टैक्ट अस का, हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, तो हम इस पर यदि कॉल करना चाहें तो अपने डायल पैड में उस पर क्लिक करके डायल पैड में आ जाएंगे और इस नंबर को हमें डायल कर देना है अपने उसी सिम से जिससे हमने सॉफ्सी अकाउंट बना रखा है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा, आपका स्वागत है, देख सकते हैं इंडिया के साथ। वेट अगर आप चाहते हैं कि हमारे एक एग्जीक्यूटिव आपको कॉल बैक करें तो एक दबाएं, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए चाहते हैं कि हमारे एक देखना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो एक दबाएं, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए। क्या आप चाहते हैं उधर से फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर का कॉल आए तो एक दबा दीजिए यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे एक दबाना है आपको, एक, ठीक है, एक जैसे दबाएंगे उधर से कॉल आ जाएगी अभी, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है, कस्टमर केयर का कभी उधर से कॉल आने वाला है, ठीक है, अभी कॉल आ जाएगा, उसके बाद आप बातें कर सकते हैं उनसे, जो भी आपको राय परामर्श लेना है वो सॉफ्सी के ही कस्टमर केयर होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट और सॉफ्सी एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कॉल करेंगे तो आप कॉल रिसीव कर लीजिएगा, जो भी समस्या हो आप बताइएगा उनको, उसका निदान करते हैं। टाइम लगता है, 5 से 6 मिनट लग जाता है कॉल रिसीव होने में, लेकिन 100% कॉल आती है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम उम्मीद करेंगे ना कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।